हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो फाइनली 2021 का एनुअल एग्जाम का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, मॉडल सेट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड द्वारा। यानी बिहार बोर्ड में जो एनुअल एग्जाम हुआ 2021 का, उसका ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया है, जिसको हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, सारे को हम लोग कवर करेंगे। अगर अदर बोर्ड वाले हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी यही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो मॉडल पेपर होता है ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा, वो कवर करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था, यानी वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल स्टेबल। ठीक है, स्टेबलाइज्ड, मुंबई या फिर पटना में या फिर कानपुर में या फिर गया में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका मुंबई में। किस में? मुंबई में। कब किया गया था? 1854 में। याद होना चाहिए आपको, यह भी पूछा जाएगा कि कब किया गया था। तो यह किया गया था 1854 में, स्थापित की गई थी मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना। और यह जो काम स्टार्ट हुआ था, स्थापना तो हुआ था 1854 में, लेकिन यहां जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन करा कि हल्दिया पोताश्रय है। सारे क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे, बाद में हम कमेंट को रिव्यू करेंगे कौन कैसा कमेंट किया नहीं किया, और आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। कमेंट करने से क्या होता है कि आपका मनोबल जो होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। हल्दिया पोताश्रय है कहां है? ओडिशा में या फिर कर्नाटक में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में। हल्दिया हार्बर इज इन, ठीक है, ये जो है आपका है ओडिशा, सॉरी पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी के नाम सुने हैं, तो हुगली नदी के किनारे मतलब है ना हल्दिया पोताश्रय। यह हल्दिया पोताश्रय के बारे में आपको पूरा तरह से थ्योरी में बताया गया है, जो अगर थ्योरी कवर किए हैं तो उनको तो मालूम होगा कि हल्दिया पोताश्रय कहां है, डब्ल्यूबी में यानी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिख रहा होगा क्वेश्चन करा कि म्यूर भंजे में कौन खनिज पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूर भंजे में कौन खनिज पाया जाता है। विच मिनरल इज फाउंड इन म्यूर भंज? गोल्ड या फिर आयरन और या फिर कोयल या फिर कॉपर, सोना, लौह अयस्क, कोयला या फिर तांबा। तो म्यूर भंजे में जो पाया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया था म्यूर भंजे के बारे में, तो वहां जो पाया जाता है वहां लौह अयस्क यानी आयरन और पाया जाता है। इसके लिए मतलब म्यूर भंजे फेमस होता है, यानी इसी के लिए मतलब काफी विख्यात है, फेमस है लौह अयस्क के लिए म्यूर भंजे। अब म्यूर भंजे कहां है ये भी तो नहीं भूल गए आप लोग, पूरा तरह से थ्योरी में बताए थे। ये आपका उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा प्रांत में, उड़ीसा स्टेट में म्यूर भंजा आता है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिख रहा है। क्वेश्चन करा कि मणिकरण है, मणिकरण कहां है भाई, जगह का नाम है मणिकरण इज इन पंजाब में या फिर बिहार में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो मणिकरण जो है यह है आपका कहां? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जिला आता है कुल्लू, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुल्लू, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है मणिकरण। तो इस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्ट सईद जलमार्ग पर स्थित है। आपको पढ़ाया गया है पनामा नहर के बारे में और सुएज नहर के बारे में, और ये दोनों नहर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाए गए हैं, और इसके भी बारे में, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि पोर्ट सईद जलमार्ग जो वो कहां स्थित है, ऑन विच वाटरवे पोर्ट सईद इज सिचुएटेड। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने पनामा कनल, नॉर्थ अटलांटिक काइल या फिर सुजल कनल। ठीक है, स्वेज कनल कहते हैं उसको। ऑप्शन आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में लगभग आपको एक पेज में बताया गया, लगभग आपको एक पेज में, एक पीडीएफ में बताया गया था कि स्वेज नहर कहां है, किसके द्वारा बनाया गया, इसकी स्थापना किसने की, मतलब कब यह बना, कितना पैसा लगा, यह सब चीज बताया गया था। तो पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है, यह है आपका स्वेज नहर में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन, यानी इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। विच ऑफ दिस नॉट अ सब ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शन आपके सामने कल्चरल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी ऑप्शन आपके सामने रखा गया। तो यहां जो मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, तो यहां मानव भूगोल की जो उपशाखा नहीं है आपका जलवायु विज्ञान जो है ना, यहां देखिए यहां क्या लगा हुआ है, विज्ञान, कोई देखकर ही पहचान जाएगा। यहां लास्ट में विज्ञान लगा हुआ, बाकी भूगोल 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 लगा हुआ। ठीक है, तो सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल और
आर्थिक भूगोल जो है यह मानव भूगोल की उपशाखा है, यानी सब ब्रांच है। बाकी जलवायु विज्ञान इसका क्षेत्र अलग होता है, यह जलवायु विज्ञान उपशाखा नहीं है। किसका? मानव भूगोल का। इस तरह से सेकंड सिक्स नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसकी तैयारी अगर अच्छी है तो वो छुट्टियों में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, जो पढ़ते हैं पूरा थ्योरी मन लगा करके पढ़ते हैं, दिलो जान से पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में आपको पढ़ाया गया था। नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहां है? वेयर इज नरोड़ा एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर केरल में, या फिर त्रिपुरा में, यह भी चीज आपको बताया गया। यह है आपका कहां? इसमें उत्तर प्रदेश में, यूपी में। कहां? यूपी में। ठीक है, यह कहां है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। और बुलंदशहर में, यह कहां है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश के, यूपी के, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बुलंदशहर में क्या है? नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो वहां स्थापित है, यानी सिचुएटेड है। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन करा कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, इन विच स्टेट इज रोहा स्टेशन सिचुएटेड ऑन द कोंकण रेलवे? ठीक है, रोहा स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है, रोहा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? रोहा स्टेशन, ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना 8 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो है महाराष्ट्र में, कहां है? महाराष्ट्र में, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको गैस के बारे में बताया गया। देखिए पटरी के बीच, यानी रेलगाड़ी चलती है ना, तो रेलगाड़ी के दो पटरी रहता है, तो ये दोनों पटरी के बीच ऐसे करके पटरी रहता है, तो दोनों पटरी के बीच की दूरी के हिसाब से, ये मतलब ये बीच का दूरी कितना है, इसी के अनुसार यानी पटरियों को 3 भाग में बांटा गया है। ये तीनों भाग आपको बताया गया था, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज। मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, ठीक है, तो मीटर गेज की जो लंबाई आपसे यहां पूछी जा रही है, सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि मीटर गेज रेल पटरियों की जो बीच चौड़ाई होती है, चौड़ाई जो होती है पटरी की, लंबाई तो बहुत ज्यादा होगी ना, कहां अंत होगा कहां शुरू होगा उस पर डिपेंड करेगा, तो चौड़ाई के आधार पर जो है मतलब पटरियों को 3 भाग में बांटा गया, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। तो यहां मीटर गेज के बीच की जो दूरी होती है वह 1 मीटर के बराबर होती है, कितने 1 मीटर के बराबर होती है। The weight between 2 meter gauge rail lines is, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 9th नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल सही, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन जो है सबसे पहले कहां से कहां चला था, पता है ना, मुंबई से थाने के बीच, यानी पुणे से थाने के बीच मुंबई में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ओहो, पूरा तरह से पता दिए भिलाई इस्पात राज्य संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में, लेकिन यही नहीं पता कि यह किस राज्य में स्थित है, ये तो नेसेसरी है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा भिलाई संयंत्र, इस्पात संयंत्र के बारे में, कम से कम ये बात तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में मतलब क्या बनाया जाता है, इसकी मतलब क्या मतलब क्राइटेरिया है, ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपको कम से कम प्रदेश तो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रदेश में है भाई। इन विच स्टेट भिलाई स्टील प्लांट सिचुएटेड? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, मध्य प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर मणिपुर, या फिर केरल। तो मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी में, तो ये जो है यह कहां है, छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहायता से बनाया गया, भूल गए क्या, किसके सहायता से बनाया गया था? यूएसए। किसके सहायता से? यूएसए की सहायता से यह बनाया गया था, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र। उसके बाद रूस के भी सहायता से बहुत सारे बनाए गए हैं, उसके बाद जर्मनी के भी सहायता से बनाए गए, तो 10th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें तो बच्चा देखकर भी कब कह सकेगा, जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं वो भी बता देंगे कि इनमें से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग है। विच ऑफ दिस इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? ठीक है, शुगर, सीमेंट, या फिर ऑप्शन आपके सामने दिया है स्टील, नन ऑफ दिस। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहां जो आपका चीनी जो हो जाएगा, चीनी कैसे मतलब कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी ईख से यानी गन्ना से तैयार की जाती है। गन्ना कौन सा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है? कृषि क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, यानी जिसके कच्चे माल को, जिसके मतलब उत्पाद, जिसके कच्चे माल को अगर प्राप्त किया जाता है कृषि क्षेत्र से, तो वो क्या कहलाएंगे? कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केमिकल हो यूज होता है सीमेंट में, इस्पात तो आपका ये इसमें आता है, लौह अयस्क के अंतर्गत आता है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, काफी यूनिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका दिमाग लगाने का है, थोड़ा सा आंख खोल करके बढ़िया से देखिए, अटेंशन देकर के क्वेश्चन करा कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था
अवस्था में क्या होता है, यानी मतलब आंख खोलने का मतलब थोड़ा सा अटेंशन देना, बुरा नहीं मानिएगा। जननांगकीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने रखा गया, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है, जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च होती है, या फिर जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों समान होती है। बिल्कुल यही जो होती है, यही चीज होती है, दोनों समान हो जाता है, जिसके कारण जननांगकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था होती है। यानी जननांगकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 12th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होता है, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ठीक, ऑप्शन डी लॉक किया जाए, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑप्शन आपके सामने रखा गया, यानी बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, ठीक, यानी आर इक्वल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 12th नंबर क्वेश्चन के, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ऑप्शन सी शायद बोले, नहीं इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कि ऑप्शन इसमें जो होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं, हम इसमें शायद टिक किए थे लेकिन मेरा ध्यान इसमें था, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बहरहाल कुछ भी बोले, अभी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी इसमें क्या होता है कि बर्थ रेट और जो होते हैं डेथ रेट वो लॉ होते हैं, ठीक है, आर लॉ, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 कभी कभी होता है, कभी माइंड में कुछ और चलता है लेकिन वह कुछ और बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है। देखिए मैं आप लोगों को बताया था सीमांत श्रमिक के बारे में, मुख्य श्रमिक के बारे में और अश्रमिक के बारे में, मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया गया कि बताया था कि 183 अगर एक साल के अंतर्गत, एक साल में अगर 183 दिन से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति काम करता है, यानी श्रम मेहनत करता है, काम करता है, जो भी काम क्रियाकलाप होता है, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुख्य श्रमिक कहते हैं, ठीक है। यानी वह व्यक्ति जो एक वर्ष से कम दिनों तक काम करता है, ठीक है, उसको कहते हैं मुख्य श्रमिक, यानी 183 दिन से ज्यादा जो काम करेगा एक साल के अंतर्गत उसको कहते हैं मुख्य श्रमिक, और 183 से कम काम करेगा यानी 183 दिनों से कम काम करता है उसको कहते हैं सीमांत श्रमिक, क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक कहते हैं, और जो काम नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, अश्रमिक, बेरोजगार, बैठा हुआ घर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं, बेरोजगार, अश्रमिक। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द पर्सन हु वर्क्स लेस देन 183 डेज इन ईयर इज कॉल्ड मार्जिनल लेबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनमें से कौन अपकर्ष कारक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवास जो होता है, प्रवास जिसको किसको कहते हैं भाई, माइग्रेशन को, माइग्रेशन क्या मतलब, प्रवास, आदमी का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, चाहे मतलब उसको मतलब कोई समस्या के कारण, चाहे रोजगार के कारण, चाहे कोई बाहर के कारण, या फिर कोई बाढ़ पानी के कारण कहीं दूसरे जगह जाके चलना, या फिर आदमी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, कोई मुसीबत आता होगा तभी ना आदमी ऐसे नहीं जाएगा, कोई मजबूरी आता है, चाहे उसकी रोजगार के कमाई के लिए ग्रामीण से मतलब कहां चल जाते हैं वो, शहर की ओर चल जाते हैं, कोई अगर बाढ़ वगैरह आ गया निचला क्षेत्र में तो क्या करते हैं आदमी, ऊंचे क्षेत्र की ओर चल जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं कि प्रवास करते हैं। प्रवास का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी कारणवश अपना जगह छोड़कर के दूसरे जगह में जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना प्रवास कहलाता है। तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रवास के कारक जो होते हैं वो दो होते हैं, कितना कारक, दो होते हैं, एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्ष, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक जो होता है वह शहर में पाए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और तृतीय क्रियाकलाप, ज्यादा आमदनी मतलब अच्छा पढ़ा लिखा मतलब शिक्षा, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक क्या करता है, आकर्षित करता लोगों को, ठीक है। तो जैसे शहरीकरण भी हो जाएंगे अपकर्ष कारक, औद्योगिकरण और तृतीय क्रियाकलापों की प्रमुखता, ये सारे हो जाएंगे अपकर्ष कारक, ठीक है। और प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक लोगों को मजबूर कर देता है, यानी यूं कहें कि लोगों को जबरदस्ती वहां से हटा देता है, जैसे कि बाढ़ हो गया, बाढ़ का पानी लोगों को जबरदस्ती मजबूर कर देता है प्रवास करने के लिए, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, ये सब क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। मतलब प्रतिकर्ष कारक जो प्रकृति की तरफ से आता है, आपको याद रखना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिकर्ष कारक प्रकृति, प्रतिकर्ष प्रकृति, प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है यानी नेचुरली आता है, और अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, शहरीकरण औद्योगिकरण लोगों को आकर्षित करता है, वह रोजगार देता है। तो यह सिंपल मतलब याद रखने का तरीका होता है, अपकर्ष आकर्षित, प्रतिकर्ष प्रकृति की तरफ से आता है, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 15, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मान होता है, मैंने आप लोगों को बताया मानव विकास सूचकांक के बारे में कितना क्वेश्चन डील किए हैं मैंने। तो सबसे पहले आप लोगों को यह याद होना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक HDI जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक, तो ये जो होता है ये प्रत्येक देश का मतलब एक तरह से रिपोर्ट तैयार करता है, यानी एक देश का, प्रत्येक देश का वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तरीय लेवल पर रिपोर्ट तैयार करता है कि किस देश का मानव अच्छा जिंदगी गुजार रहा है, किस देश की मानव की दुर्दशा अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, शैक्षिक स्थिति अच्छी है, ठीक है, उसी के हिसाब से रिपोर्ट
रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट कौन तैयार करता है भाई? यूएनडीपी। किस कौन? यूएनडीपी ने, यूएनडीपी द्वारा एचडीआई रिपोर्ट तैयार किया जाता है, मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। और 1990 में एचडीआई रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा सबसे पहले छापी गई थी, यानी 1990 में पहला एचडीआई रिपोर्ट कौन छापा था? यूएनडीपी ने छापा था। जैसे कि डॉक्टर महबूबुल हक के बारे में आपको पता है कि पहला यूएनडीपी का जो द्वारा पहला यूएनडीपी द्वारा छापा गया एचडीआई रिपोर्ट में डॉक्टर महबूबुल हक का बहुत बड़ा योगदान है। और डॉक्टर महबूबुल हक कौन है? पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो थे महबूबुल हक, उन दोनों में काफी मतलब फ्रेंडशिप थी, काफी दोस्ती थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को थ्योरी में यह भी बताया था कि एचडीआई का जो रिपोर्ट होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। इसका जो स्कोर होता है ये 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। यानी अगर कोई स्कोर होता है, किसी देश को मिलेगा 4.0 किसी देश को मिलेगा 0.12, मतलब इसका स्कोर कहां से कहां? 0 से 1 के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 0 to 1 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी कवर कर लेते तो ये होता है कि हम लोग रिवीजन हो जाता है, और बहुत सारे बच्चों को बोर लगते होंगे शायद। अगर आप लोगों को बोर लगते होंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कर कीजिएगा अभी जस्ट, क्योंकि कमेंट को हम फिर बाद में क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अब देखिए, अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं भाई? विटीकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, या फिर सेरीकल्चर कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पीसी जो कल्चर कहते हैं इसको मधुमक्खी पालन को कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर जो होता है ये अलग टाइप का होता है। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं। लेकिन वीटी कल्चर जो होता है वो अंगूर की खेती को कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? वीटी कल्चर कहते हैं। द फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड वीटी कल्चर। क्या कहते हैं उसको? वीटी कल्चर कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति का, या फिर संयुक्त कंपनी का, या फिर सरकार का, या फिर इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं भाई? हु हैज कंट्रोल ओवर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज? अ पर्सन, ज्वाइंट कंपनी, गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरकार, यानी गवर्नमेंट, मतलब उसमें पकड़ रखती है गवर्नमेंट, मतलब अपना पकड़ बनाए रखती है, उसी के नियंत्रण में रहता है, उसी के कंट्रोल में रहता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। कंट्रोल ओवर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर गवर्नमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, टोक्यो, ठीक है। यानी यहां आपको पूछा गया कि टोक्यो इंडस्ट्रियल सेंटर इज इन, कहां है भाई? रूस में, या फिर जापान में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर इनमें से कोई? तो टोक्यो कहां? जापान में। टोक्यो कहां? जापान का क्षेत्र, तो जापान में होंगे। कैसे वो रूस में हो जाएंगे भाई? तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी टोक्यो औद्योगिक केंद्र है वो कहां है? जापान में। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 19, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 19। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण कॉलर संबंधित है, गोल्ड कॉलर इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताया गया था लाल कॉलर श्रमिक के बारे में, भूल गए क्या? भूल गए क्या? नहीं भूलना है। तो लाल कॉलर श्रमिक के बारे में आपको बताया गया था इकोनॉमिक्स में, जो श्रमिक घर से बाहर रह करके काम करता है, या फिर जो श्रमिक का क्रियाकलाप क्षेत्र घर से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? लाल श्रमिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि खेत में काम करने वाला, उसे क्या है? लाल श्रमिक है। लेकिन स्वर्ण कॉलर श्रमिक, जैसे कि एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, जिसको वकील कहते हैं, यानी सॉरी डॉक्टर हो गया, एडवोकेट यानी वकील हो गया, और बहुत सारे जो तृतीय कलाप से जुड़े हुए रहते हैं, ये सारे जो होते हैं वो कहते हैं स्वर्ण कॉलर से संबंधित होता है। लोग क्या मतलब? स्वर्ण कॉलर से संबंधित होता है। तो स्वर्ण कॉलर जो संबंधित होता है पंचम क्रियाकलाप से, तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय या फिर द्वितीय क्रियाकलाप से, सिंपल सी बात है, ये जो होते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप से होते हैं। किससे? यानी चतुर्थ क्रियाकलाप से रिलेटेड होते हैं, यानी क्वार्टरनरी एक्टिविटी। गोल्ड कॉलर इज एसोसिएटेड विद क्वार्टरनरी एक्टिविटी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आए बोर्ड एग्जाम में तो आप तो इस तरह से अच्छे तरह से नंबर ला पाएंगे, लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन किस महादेश में? काफी इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। लंदन का यूरोप में आता है, इन विच कंटिनेंट लंदन इज लोकेटेड? यूरोप इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब देखिए वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया जो है किस देश में स्थित है? जापान में, या फिर भारत में, या फिर जर्मनी में, या फिर स्पेन में? इन विच कंट्री वेस्टफेलिया इज वेस्टफेलिया सिचुएटेड? तो ये जो है ये है आपका जापान, इसमें सॉरी जर्मनी में। ये कहाँ है? जर्मनी में। यानी वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? ये है आपका जर्मनी में स्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में आपको बताया गया था, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के बारे में, ये पूरा थ्योरी में आपको बताया गया है। आप अगर थ्योरी में पढ़े हैं, रूसिया के बारे में पढ़े हैं, और यूरोप के बारे में पढ़े हैं, ये जहां जहां पूरा दुनिया में बड़े बड़े रेल मार्ग हैं वो सारा चीज आपको डिफाइन करके बताया गया है। तो यहां आपको आंसर देना है, तो ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग कहां है? यूरोप में आता है। कहां आता है?
यूरोप में ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग इज इन, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यूरोप में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कमेंट करके बताइएगा इसका क्या करना, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है, पाइपलाइन, नहर या फिर उपग्रह या फिर राजमार्ग। ठीक है, ऑप्शन आपका अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, कनल, सैटेलाइट, हाईवे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगे। पाइपलाइन के द्वारा तरल की कोई भी पदार्थ का वहन होता है, मतलब परिवहन होता है, किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, दूध को, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम पदार्थ को या फिर कोई ठोस पदार्थ को उसकी द्रव्य अवस्था में पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये भी क्या होगा, परिवहन का साधन हो गया, बिल्कुल सही बात है। नहर भी होता है परिवहन का साधन, नहर से मतलब तरह तरह के जहाज जाते हैं, तरह तरह के पोर्ट जाते हैं, तरह तरह के नाव जाते हैं, तो वहां क्या होता है कि सामान को लेकर जाता है, तो वो भी क्या हो गया, परिवहन का साधन हो गया। राजमार्ग में तो हम लोग चलते ही अपना अपना गाड़ी घोड़ा तो चलाते ही, मोटरसाइकिल बाइक जो भी है, तो ये भी हो गया आपका परिवहन का साधन। बाकी उपग्रह कैसे हो जाएंगे परिवहन का साधन, थोड़ा समझाइए ना, उपग्रह कैसे हो जाएंगे परिवहन का साधन। ये तो ऊपर से उपग्रह ऊपर में चलता है, पूरे देश के मतलब भौगोलिक क्षेत्र को मतलब अपना कंट्रोल में रखता है, भौगोलिक क्षेत्र में कहां क्या हो रहा पूरा सूचना यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता और वह मतलब अपना डिवाइस के जरिए कंप्यूटर में, यानी एक तरह से कंप्यूटर में भेजता है पृथ्वी में। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उपग्रह का काम क्या है, मतलब ये तरह तरह के मतलब मौसम का पता लगाता है, वेदर कास्टिंग करता है, कहां कहां बारिश होना है, कहां नहीं होना है, यानी तरह तरह के देश के कोने पर मतलब फोटो खींचता है, फोटो खींच करके वहां सैटेलाइट के द्वारा फिर नीचे भेजता है। तो ये एक तरह से जो होता है यानी देश की सुरक्षा के लिए और वेदर कास्टिंग के लिए इसका मतलब महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये ट्रांसपोर्ट के काम नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन करा कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र या फिर पठारी क्षेत्र। वेट पॉइंट सेटलमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया 24 नंबर क्वेश्चन का, तो ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, वो हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। किसमें हो जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये सॉरी इसमें आपको राइट आंसर चूज जो होगा वो होगा मैदानी क्षेत्र। किसमें, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि गरीब लोग रहते हैं, नम बिंदु बस्ती की जो ये होती है विशेषता होती है गरीब लोग रहते हैं, यहाँ का मतलब आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि यहाँ लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिलता। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। आपको बताया गया है भाषा परिवार के बारे में, आपको पूरा तरह से बताया गया था, चार परिवार और चार उप परिवार, चार भाषा का परिवार, चार उप परिवार के बारे में बताया गया था। यहां आपको पूछ रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक है, तो यहां जो सबसे अधिक हो जाएंगे वो हो जाएंगे भारतीय यूरोपीय। किसका, यानी भारतीय यूरोपीय। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन कह रहा है कि भाखरा नांगल परियोजना अवस्थित है, भाखरा नांगल परियोजना अवस्थित है कहां, सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर या फिर गंगा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये जो लोकेटेड है ये कहां है, सिंपल सी बात है, भाखरा नांगल परियोजना के बारे में आपको पढ़ाया गया है, तो ये जो है आपका सतलज नदी पर कहां है, यानी सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहां, कौन सा प्रदेश में, भूल गए क्या, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। किसमें, हिमाचल प्रदेश में आता है। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी बेसिन कहाँ है, यानी गोदावरी बेसिन कहाँ स्थित है भाई, उत्तर भारत में या फिर पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में, वेयर इज गोदावरी बेसिन। तो ये जो है गोदावरी बेसिन जो आता है ये पूर्वी भारत के क्षेत्र में आता है, इन ईस्टर्न इंडिया। किसमें आता है, इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में आता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनन नगर नहीं है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मीनिंग टाउन। खनन नगर के बारे में बताया गया, ठीक है, जैसे कि आपको सांस्कृतिक नगर के बारे में बताया गया था अजमेर के बारे में, तो सांस्कृतिक दृष्टि से जिस नगर की विकास होती है तो उसको क्या कहेंगे, सांस्कृतिक नगर कहेंगे, जिस नगर की विकास खनन की दृष्टि से हुई है उसको कहेंगे खनन नगर। तो इनमें से कौन खनन नगर नहीं है, तो ये जो खेतरी भी आपका खनन नगर है, धनबाद भी आपका खनन नगर है, कोडरमा भी खनन नगर है, बाकी जो पटना है ये आपका खनन नगर नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पटना इज नॉट अ मीनिंग टाउन। ठीक है, यही ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन करा कि क्वेश्चन पूछा गया कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, झील के सहारे, विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग लेक। ठीक है, रेखीय या फिर वृत्ताकार या फिर चौकटी, चौकपट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्ताकार यानी सर्कुलर, यानी सर्कुलर, यानी सर्कुलर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग लेक सर्कुलर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है,
रेखीय या फिर सीढ़ीनुमा या फिर वृत्ताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। विच पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन हिल्स, तो यहां जो पाए जाते हैं सीढ़ीनुमा पाए जाते हैं। कैसे, यानी सीढ़ीनुमा मतलब आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में वर्ग 1 यानी क्लास 1 के शहर या नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20,000 से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मोर देन 1 लाख, यानी द पॉपुलेशन ऑफ कैटेगरी 1 टाउन और सिटी इज इन इंडिया मोर देन 1 लाख, यानी जो होता है 1 लाख से अधिक होना चाहिए और 10 लाख से अधिक को तो उसको मिलियन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 10^6 क्या हो जाएगा, मतलब मिलियन होता है तो मिलियन सिटी कहते हैं 10 लाख वाली जनसंख्या को। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन नगर शहर है, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है पंजाब में या फिर हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। कालका इज फेमस ट्रांसपोर्ट टाउन इज इन, कहां है भाई, ये कौन सा स्टेट में आता है, वही आपको पूछा गया है। तो ये जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा में। कहां आते हैं कालका, हरियाणा में आते हैं, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन एक प्राचीन नगर है, प्राचीन नगर का इतिहास मतलब जो होता है ये पीरियड मतलब प्राचीन से जुड़ा हुआ रहता है उसे को होता है प्राचीन नगर। ठीक है, नालंदा या फिर चंडीगढ़, बरौनी या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन प्राचीन नगर है 33 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा बरौनी, यानी बरौनी क्या है कि एक एंशिएंट सिटी है, यानी बरौनी क्या है, एंशिएंट सिटी है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दिख रहा होगा, क्वेश्चन 34 में पूछा गया कि इनमें से कौन शुष्क कृषि क्षेत्र से संबंधित है, धान, बाजरा, गन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ दिस इज रिलेटेड टू ड्राई फार्मिंग, कौन जुड़ा हुआ कृषि क्षेत्र से, शुष्क कृषि क्षेत्र से, तो यह है आपका बाजरा। बाजरा जो है किससे, यानी ड्राई फार्मिंग से जुड़ा हुआ, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद गेहूं से या फिर नारियल से या फिर कपास से या फिर दूध से। ठीक है, जो बच्चे कवर कर लिए कि वो उनको लगता है कि हम तो कवर कर लिए, हम क्या कवर करेंगे, याद रखो बाबू जिनका रिवीजन होता है वही अच्छा तरह से लिख पाता है एग्जाम में। अगर आप सोच रहे कि हम तो ये चीज़ कवर कर लिए हैं, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं जा रहा है लेकिन आपका रिवीजन हो रहा है। और आपको पता है एक अच्छा स्टूडेंट को ये बात भी पता रहता है कि जिनका रिवीजन अच्छा होता है वही कॉपी अच्छी तरह से लिख पाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि पूरा साल स्टूडेंट नहीं पढ़ता, पूरा साल पढ़ता ही नहीं है, 2 महीना लास्ट आया, 2 महीना पूरा तरह से तैयारी किया तो पूरा तैयारी करके पूरा तरह से अच्छा नंबर लेके आता, क्यों, क्योंकि वो लास्ट में आया, लास्ट में पढ़ा। आप पहले कितना महीना पढ़े, पहले आपका साल जो है, आपका ईयर जो है, आप पहले पूरा साल के अंदर कितना महीना पढ़े कितना नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप लास्ट में रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपको वहां महंगा पड़ेगा भाई। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर वो जो कह रहा है कि ये चीज तो हम कवर कर लिए, ये नहीं करेंगे, मेरा टाइम वेस्ट जा रहा, तो फिर ये बात आपका ये धारणा गलत है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है, हम लोग भी 12th का एग्जाम दिए तो हम लोग को भी रिवीजन करना पड़ा था, हम लोग तो पूरा तरह से तैयारी कर लिए थे लेकिन लास्ट में आकर के हम लोग को पूरा तरह तैयारी करना पड़ा था, रिवीजन करना पड़ा था, लेकिन जब कॉपी पलट के देखते थे, अपना नोट्स देखते थे, लगता था कि हम पढ़े ही नहीं है, लगता था कि हम भूले हुए, पूरा तरह से भूले हुए कब का कब पढ़े हुए, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है, छोड़ी इसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ठीक है, ये हो जाएगी दूध से, किससे, यानी दूध से संबंधित है, ना कि गेहूं से या फिर नारियल से फिर कपास से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि भारत में सिंचाई का साधन, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो भारत में सिंचाई का जो साधन है द मींस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, वो हो जाएंगे तालाब भी हो जाएंगे, कुआं भी हो जाएंगे, नहर भी हो जाएंगे। ठीक है, यानी तीनों के माध्यम से भारत में सिंचाई की जाती है, किसी भी क्षेत्र में खेती करने के लिए जो सिंचाई की जाती है तालाब के माध्यम से भी, कुआं के माध्यम से भी, नहर के माध्यम से, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या, वितरण, उपलब्धता, गुणवत्ता या फिर उपयुक्त सभी, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, तो ये जो है वितरण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बिहार स्टेट के बारे में अगर देखेंगे, बिहार स्टेट में ऐसा है कि उत्तरी बिहार में पूरा तरह से बाढ़ आता है, पूरा फ्लड आता है, पूरा फसल को दहाकर लेके चल जाता है, लेकिन दक्षिणी बिहार एक ऐसा मतलब इलाका है जहां सूखा ही सूखा रहता है, सूखा के कारण पूरा फसल वहां क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो यहां क्या है, पानी का वितरण मतलब अलग है, कहीं पानी ज्यादा है मतलब कहीं कम है। अब देखिए उपलब्धता, कहीं पानी ज्यादा है कहीं कम है, उपलब्धता यही होना है, उत्तरी बिहार में पानी ज्यादा है, दक्षिणी बिहार में पानी कम है, यह भी एक समस्या। गुणवत्ता, अब देखेंगे बहुत सारे स्टेट में जो है पानी में आयरन ज्यादा मिला हुआ रहता है, मतलब उनकी गुणवत्ता में कमी रहती है, कहीं का आयरन जो कहीं का देश, कहीं का प्रांत में, कहीं का राज्य में देंगे तो वहां का पानी को खूब साफ होता है, वहां का पानी पीने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होती है, तो गुणवत्ता में भी डिफरेंस है। तो यहां क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, यानी सभी संबंधित समस्या, यानी भारत में जल संसाधनों से संबंधित समस्या, तो क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, तीनों समस्या। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया कि
लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड में, बिहार में, मणिपुर में या फिर कर्नाटक में, द मेन रीजन ऑफ आयरन इज ऑरेंज, ठीक है, ये कहाँ है, लौह अयस्क के महत्वपूर्ण क्षेत्र, सिंपल सी बात है, ये जो है आपका झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में, नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट का मुख्य स्रोत, सॉरी मोनाजाइट पाया जाता है केरल में, महाराष्ट्र, बिहार में या फिर असम में या फिर यूपी के सभी, तो ये जो मोनाजाइट का सोर्स पाया जाता है, ये पाया जाता है केरला स्टेट में, कहाँ, केरल में पाया जाता है, ठीक है, यानी मोनाजाइट इज फाउंड इन केरल, केरला, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 14 नंबर पर पूछा गया कि लांबा संबंधित है ऊर्जा से, ऊर्जा पौन से, सौर ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से या फिर उपयुक्त सभी, यानी लांबा इज रिलेटेड टू वेन एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर जियो थर्मल एनर्जी, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, किससे, यानी उपयुक्त सभी, लांबा संबंधित है किससे, यानी उपयुक्त सभी, तीनों से संबंधित है, इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कि कोयला मिलता है कहां मिलता है, भाई झाड़िया में मिलता है, झाड़िया यानी झारखंड में मिलता है, कोयला के लिए बहुत फेमस है, कोयला इज फाउंड इन झाड़िया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए 42 क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंचार का माध्यम है, जनसंचार, जन का मतलब होता है लोग, संचार का मतलब होता है संप्रेषण, यानी संदेशों का, आइडियाज का संप्रेषण, शब्दों का संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता है सेंडिंग करना, भेजना, ठीक है, जन का मतलब लोग, संचार का मतलब होता है अपने माध्यम से अपना आइडिया को, अपने शब्दों को, अपने भाव को, अपने शब्दों को एक जगह से दूसरे जगह संप्रेषण करना, यानी भेजना, संप्रेषण, आप देखिए संप्रेषण यूज करते तो बहुत सारे दिमाग में इधर उधर बैठता होगा, ठीक है, सेंड है, समझते ना, इंग्लिश में SEND सेंड, यानी SEND सेंड, इसी को हिंदी में संप्रेषण कहता है, अब हो गया कंफ्यूजन दूर, संप्रेषण कोई नया वर्ड है, बहुत मतलब ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है, तो जनसंचार का माध्यम कौन है, टेलीविजन भी हो जाएंगे, समाचार पत्र और रेडियो, यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, चिकित्सा भूगोल या फिर सैन्य भूगोल या फिर संसाधन भूगोल या फिर इनमें से कोई नहीं, सामाजिक भूगोल की उपशाखा, यानी सामाजिक विच ऑफ दिस सब ब्रांच ऑफ सोशल ज्योग्राफी, तो यहां जो सामाजिक भूगोल की उपशाखा हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका चिकित्सा भूगोल, यानी चिकित्सा भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछा गया कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, यानी स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया, तो यह 1950 से 1960 के बीच रहा था, कब से कब, 1950 से 1960 के बीच रहा था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन 45 में पूछा गया कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो जाएगी, कितना बिलियन, 7 बिलियन, तो अभी हाल ही के डेटा के बारे में आपको पूछा जा रहा है, यानी हाल ही डेटा मतलब जो अभी अपडेट है वही चीज आपको पूछना है, यही चीज आपको बताना है, तो यहाँ जो है 2020 तक, यानी विश्व हो गई कितना, मतलब हो गई विश्व की जनसंख्या जो है 2020 तक जो है 7 बिलियन हो गई है, मतलब अभी 2021 चल रहा है या फिर 2022 आएगा या फिर 2023 आएगा, तो अभी मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2020, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी 7 बिलियन हो गई है, और ये मतलब अनुमान लगाया गया, मतलब ये अंदाजा लगाया गया कि 2025 तक ये 8 बिलियन तक हो जाएगी, यानी 8 बिलियन को भी पार कर जाएगी। इन विच ईयर पॉपुलेशन इज द ऑफ द वर्ल्ड बिकम 7 मिलियन, राइट आंसर 2020, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इनमें पूछा गया कि इनमें इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है, तो यहां जो है जापान, जापान ज्यादा विकास कर लिया, तो यहां क्या है कि जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है, तो जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी जस्ट हम सॉल्व किए, तो ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जापान काफी विकसित देश है, तो ये जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में आ गया है, इस तरह से 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति कैसी है, तो ये जो है घंटीनुमा, यानी घंटीनुमा है, यानी शेप ऑफ द सेक्स एज सेक्स पिरामिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो राइट आंसर हो जाएंगे बेल शेप, क्या हो जाएंगे बेल शेप, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन, यानी इनमें से कौन विद्वान मानव भूगोल की सूचकांक से संबंधित नहीं है, अमर्त्य सेन या फिर एलन सी एम सैम्यूल या फिर हम्बोल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर्त्य सेन, क्या हो जाएगा, इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, हम नहीं बोल दिए थे सॉरी, तो संबंधित है, तो क्या हो जाएंगे अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट आंसर अमर्त्य सेन। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है, ठीक है, तो चलवासी पशुचारण किसको कहते हैं, यानी नोमैडिक हर्डिंग किसको कहते हैं, चल चल के पशु करके चरा, पशु को चराना, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाकर के, एक जगह से दूसरे जगह चल चल करके, एक जगह से दूसरे जगह जाना, पशु को मतलब साथ साथ लेकर के जाना, चराना मतलब चराई क्षेत्र के मतलब खोज में, मतलब ये क्या होता है कि इसमें चलवासी पशुचारण में पशुओं के लिए कोई अस्थायी निवास, अस्थायी आवास नहीं होता, ठीक है, इसके साथ साथ मतलब चरवाहा भी जो होता है वो चलते रहता है, तो ये चलवासी पशुचारण संबंधित है, लामा या फिर रेडियर या फिर इनमें से सभी, तो राइट आंसर इनमें से सभी, तीनों चीज संबंधित है, चलवासी पशुचारण के अंतर्गत लामा याक और रेडियर भी आते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 49
नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें कौन व्यापारिक अन्न कृषि से संबंधित है। व्यापारिक अन्न कृषि विच ऑफ दिस एसोसिएटेड विद कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, गेहूं, जौ या फिर राई। तो तीनों के तीनों चीज को बेच करके क्या किया जाता है, पैसा कमाया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी व्यापारिक यानी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से संबंधित होगा। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इनमें पूछा गया है कि इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। ठीक है, कागज या फिर लौह या फिर ऊन या फिर उत्पाद। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि पशु आधारित मतलब क्या होगा कि जो पशु पर निर्भर करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कागज जो आपका लुगदी जो बनता है वो मतलब पेड़ से बनता है, यानी पेड़ का तना से वगैरह से कागज उसे तैयार किया जाता है। लौह जो लोहा से प्राप्त किया जाता है, लोहा कहाँ से मतलब अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इस्पात भी आपका मतलब जमीन के नीचे से निकलता है, तो ये कृषि क्षेत्र से कैसे आएंगे भाई। लोहा पशु से प्राप्त होता है या फिर इस्पात या फिर कागज पशु से प्राप्त होता है। ऊन होता पशु से प्राप्त, यानी भेड़ क्या पशु है तो भेड़ से मतलब ऊन की प्राप्ति होती, तो ऊन क्या हो जाएंगे पशु आधारित उद्योग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विच ऑफ एसोसिएटेड विद एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 52 में पूछा गया कि इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है, कौन जर्मनी में है भाई। विच ऑफ दिस कोयल फील्ड्स इन जर्मनी, तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 52 नंबर क्वेश्चन का। रूर जो होगा कहां जर्मनी में है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन तृतीय सेवा नहीं है। प्रथम सेवा किसको कहते हैं, प्रथम क्रियाकलाप किसको कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है यानी कृषि क्षेत्र से होता है, द्वितीय क्रियाकलाप जो होता है वह उपभोक्ता के सामान तैयार करने में जो काम होता है उसी को कहते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं उत्पादन और विनिमय आते हैं। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, जो भी चीज की तैयारी की जाती है, जो भी चीज बनाया जाता है उत्पादन, और विनिमय के अंतर्गत व्यापार संचार और क्या आते हैं परिवहन आते हैं। ठीक है, तो यह होता है तृतीय क्रियाकलाप। तो तृतीय सेवा में नहीं है, यानी तृतीय सेवा नहीं है परिवहन संचार या फिर बैंक या फिर नीति निर्धारण। तो 53 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नीति निर्धारण। ये नीति निर्धारण आपका पंचम क्रियाकलाप में आता है, यानी पॉलिसी का निर्माण करना, पॉलिसी जो मेकिंग होता है ये बड़े बड़े लोग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, आरबीआई करते हैं। तो ये जो पॉलिसी निर्माण है यानी नीति निर्धारण जो है ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बाकी परिवहन संचार और बैंक तृतीय क्रियाकलाप में सेवा नहीं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया कि सीमांत सड़कों का संबंध है तटीय क्षेत्रों से या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से या फिर पहाड़ी सड़कों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कोई नहीं। सीमांत सड़क का निर्माण किया जाता है फौजों के लिए, यानी तरह तरह के जब देश की अगर किसी देश से लड़ाई होती है बॉर्डर एरिया में, ये सब रोड को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में आपको बताया गया है, भूलना नहीं है। ये रशिया में है, कहां है, रशिया में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रेलवे इज इन, तो ये क्या हो जाएंगे रशिया में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है, डंपिंग, व्यापार संतुलन या फिर मुक्त व्यापार या फिर इनमें से सॉरी। डंपिंग का मतलब होता है एक ही वस्तु का मतलब एक ही, जैसे कि भारत में अगर कोई 10 रुपये का सामान बनता है वही चीज मतलब ऑस्ट्रेलिया में 12 रुपया में बेचेगा, और यही चीज यहाँ अमेरिका में जाकर के 15 रुपया में बेचेगा। ठीक है, यानी बेचा जाएगा। तो यहाँ दूरी ज्यादा के कारण लागत ज्यादा लगा अमेरिका जाने में वो सामान को, तो ज्यादा वहाँ दाम बढ़ गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया यहाँ जो है श्रीलंका बगल में है, श्रीलंका में बगल में है, तो यहाँ श्रीलंका में 12 ही रुपया में बिक गया। तो ये जो कारण है, ये एक कारण के कारण यानी दूरी के कारण, चाहे वो कोई भी कारण हो, कारण के कारण कोई वजह के कारण जो है सामान का एक ही वस्तु का जो है मूल्य अलग अलग देश में अलग अलग होता है, तो उसी को क्या कहते हैं डंपिंग कहते हैं। तो व्यापार संतुलन में जो होता है, व्यापार संतुलन में क्या होता है कि इसमें आयात और निर्यात मतलब बराबर होता है, मतलब किसी तरह के बाजार में जो होता है अनबैलेंस की स्थिति नहीं आती है, उसको कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, और मुक्त व्यापार में क्या होता है कि फ्री यानी कोई भी देश का व्यापारी किसी भी अन्य देश से मतलब फ्री होकर के फ्री टैक्स के माध्यम कोई टेंशन बिना टेंशन लिए हुए वो क्या कर सकता है व्यापार कर सकता है, उसी को कहते हैं फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, ये मतलब किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया कि लोएस मैदान में किस प्रकार का घास पाया जाता है, व्हिच टाइप ऑफ हाउस इज फाउंड इन लोएस प्लान, या फिर कंक्रीट गुफा या फिर झोपड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लोएस मैदान में जो पाए जाते हैं ये किस प्रकार का पाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि इनमें कौन नियोजित नगर है, चंडीगढ़, कैनबरा, जमशेदपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। नियोजित का मतलब होता है बसाया हुआ, यानी परियोजना लाकर के, यानी परियोजना लाकर के, प्रोजेक्ट लाकर के, उसमें पैसा खर्चा करके वो नगर को बसाना ही क्या कहलाता है, नियोजित नगर कहलाता है। तो इसमें जो नियोजित नगर है वो कौन है, जैसे कि आपको पढ़ाया गया था कैनबरा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा के बारे में आपको पढ़ाया गया था, वहाँ प्रोजेक्ट लाई गई थी, वो एक आदमी लाया था, अभी हमको नाम भी याद नहीं रहा, तो वो एक आदमी के द्वारा लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनबरा, यानी इनमें जो नियोजित नगर है वो क्या हो जाएंगे, कैनबरा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व का संबंध है, सिंपल सी बात है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र, क्या होता है, जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र। तो जनसंख्या किससे, यानी
जनसंख्या और क्षेत्रफल से होगा, यानी जनसंख्या घनत्व बराबर टोटल जनसंख्या बराबर टोटल क्षेत्र यानी जनसंख्या घनत्व कहलाता, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हैज रिलेशन विद पॉपुलेशन एंड एरिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी थी, बिल्कुल राइट आंसर 69 हो जाएगा, यानी ग्रामीण आबादी कितनी थी 69 यानी 69% थी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी 69%। और 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल आबादी कितनी थी देश की, 121 करोड़, कितना 121 करोड़। और 2001 के बारे में पूछा जाएगा कि 2001 में भारत की आबादी देश की आबादी कितनी थी, तो वो थी 102 करोड़, कितना 102 करोड़, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 में पूछा गया कि भारत में ग्रामीण आदिवासियों से प्रकारों की कुल संख्या कितनी है, ग्रामीण आदिवासियों से प्रकारों की कुल संख्या जो है ये है आपका टोटल कितना 14 यानी 14 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन शहरों में कौन पश्चिमी भारत में अवस्थित है, राजकोट, धनबाद या फिर पुरी या फिर इनमें से कोई नहीं, विच ऑफ दिस टाउन इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न इंडिया, तो वेस्टर्न इंडिया में कौन से शहर बसे हुए, तो ये जो है राजकोट बसे हुए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया कि सड़क भूमि यानी सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, गैर कृषिगत भूमि या फिर वन भूमि या फिर बंजर भूमि या फिर प्रति भूमि, तो ये जो आते हैं किस में आते हैं, लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज्ड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गैर कृषिगत भूमि के अंतर्गत आते हैं, यानी जो कौन सा भूमि यानी सड़क की किस भूमि के उपयोग में आते हैं, भूमि उपयोग वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 में पूछा गया कि कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर इनमें से कौन है, विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर, 64 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है अग्रणी कौन सा देश है, ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन का। 65 में पूछा गया है कि इनमें कौन जल संभर प्रबंध से संबंधित है, जल संभर हरियाली, निरू मिरू या फिर अरवंदी अरवड़ी जल संसद या फिर इनमें से कौन है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरवड़ी जल संसद, क्या हो जाएंगे, अरवड़ी जल संसद जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बराक नदी बेसिन कहाँ है, यानी बराक वेयर इज बराक रिवर बेसिन, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में या फिर उत्तर भारत में, ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में, कहाँ है बराक नदी बेसिन, कहाँ है उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया कि विश्व के कितने प्रतिशत अनाज का उत्पादन भारत में किया जाता है, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो आपको राइट आंसर चूज करना है 67 नंबर क्वेश्चन का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी यानी सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन में आपको कहीं तो डाउट नहीं है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, वैसे भी हमको ये क्वेश्चन देख लेना था एक बार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया कि इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, खनिज अन्वेषण से संबंधित है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, ये जो है ONGC जो है ये खनिज संबंधित, खनिज किससे मतलब खनिज अन्वेषण से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन को 69 में पूछा गया कि भरमौर जिला है ये कहाँ है, भरमौर जिला के बारे में पूरा तरह से आपको बताया गया था, भरमौर जिला में जल संभरण के आगे मतलब जल संभर प्रबंधन में वो आगे रहा है, तो ये जो है केरला में है, कहाँ है केरला में स्टेट है स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भील जनजाति मुख्य केंद्रित है, ये कहाँ है झाबुआ जिला में केंद्रित है, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल लगभग आपको क्वेश्चन पूछा गया था 70 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि सारा चीज आपको समझ में आया होगा, जहां अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ, ठीक है। और मैं फिर आप लोगों को बता दूं ये 2021 का एनुअल एग्जाम का जो बोर्ड का तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट का तरफ से ये जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड का, इसी तरह से अन्य मतलब जो होता है ये मतलब आपका NCERT बेस्ड था, ठीक है, तो ये अदर बोर्ड भी कवर कर सकते हैं क्योंकि अदर बोर्ड को भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ हल्का सा टर्न होता है अलग लेकिन क्वेश्चन यही होते हैं, मतलब तरीका अलग होता है पूछने का, उनका भाषा अलग होती है, मतलब थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन पेपर आने का लिखने का तरीका अलग होता है अलग अलग बोर्ड का, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होते हैं, क्वेश्चन कैसे नहीं एक होंगे भाई, वहाँ थोड़ा ना ऐसे बदलाव हो जाएंगे कि ये जो होता है ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, जैसे कि वहाँ अदर बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, मुंबई में किया गया, अदर बोर्ड में वहाँ पटना में थोड़ा ना हो जाएगा, अदर बोर्ड में पटना नहीं करेगा आंसर ना, तो वो भी मुंबई ही होगा ना अदर बोर्ड के लिए, यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जाएंगे चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये 2021 का जारी हुआ था हम आपको प्रोवाइड करा दिए, 2022 का आएगा जस्ट हम उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह पर आए हैं, और अच्छे जगह पर आए हैं तो आपका बेनिफिट भी होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको वो सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, और एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छा मटेरियल का होना बहुत जरूरी है जो यहां आपको दी जाती है, ठीक है। तो रखिए अपना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।